हाँ तो रूफटे, इस वीडियो के अंदर हम यूनिलैक कलर्स एंड केमिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 22-23 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है, ये कंपनी पिगमेंट्स और उसके अलावा जो फूड कलर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनसे ये कंपनी बाय करती है। फिर उसके बाद में आगे जिनको रिक्वायरमेंट होती है तो उनको ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिलैक्स ये ब्रांड नेम के अंदर में ये कंपनी हमें प्रोडक्ट अपने बेचती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे, जो करंटली जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे पालघर महाराष्ट्र में नजर आती है। और जिसके अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 1275 स्क्वायर मीटर्स का एरिया हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नजर आता है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वियतनाम, ब्राज़ील, मेक्सिको, निगेरिया, रशिया, टर्की, नीदरलैंड, पोलैंड, चाइना, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज में भी ये कंपनी अपने के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कितने प्रोडक्ट ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है, तो 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट का नंबर है। और इसमें अगर हम देखेंगे अभी लगभग 150 करोड़ के लगभग की एनुअल रेवेन्यू हमें कंपनी का नजर आता है। और इसमें अगर ये कंपनी 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर ये कंपनी बेच रही है तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन भी होता है कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें कोई बियॉन्ड पॉइंट इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसीलिए कंपनी इतने ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे ऐड करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लगभग कंपनी के 25 हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स कंपनी के नजर आते हैं। और इसके अलावा 54 हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉयज है वो करंटली हमें अभी यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रिपे करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 151 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में लगभग 7 करोड़ से गिरकर अराउंड 144 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 149 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 3 साल से यहाँ पे कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते। तो देखिए भले ही एक बार के लिए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 4,71,00,000 से ये नंबर हमें लगभग 6,16,00,000 के लगभग होता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए मार्केट को डेफिनेटली कोई भी कंपनी होती है तो उसके अंदर मार्केट को रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए होता है। मार्केट को पता होता है कि अगर कोई भी कंपनी का अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देर तक वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर जो अभी एकदम से हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है, ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देर नहीं टिक सकती है। क्योंकि जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस होते हैं वो साल बाय साल लगातार आपके बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उसकी सैलरी बढ़ती है, आपके जो उसके अलावा जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट वगैरह होती है तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट वगैरह होती है, पावर कॉस्ट वगैरह होती है, तो वो सब आपकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है। तो इसीलिए बियॉन्ड पॉइंट अगर आपके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आता है तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल भले ही कितना भी अच्छा क्यों हो, अगर 3 साल से अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे कोई ग्रोथ के नंबर में यहाँ पे नजर नहीं आते तो वो डेफिनेटली एक इंडिकेशन रहेगा कि इसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मार्केट यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पी एक्सपांशन ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर उसके अलावा अगर हम अभी कंपनी के ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी सिर्फ डेट को रीपे करने के रिगार्डिंग मेनली यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि कोई एडिशनल केपेक्स कंपनी की तरफ से नहीं हो रहा है, तो मार्केट को ये भी लगेगा कि आने वाले टाइम पे एडिशनल कंपनी का रेवेन्यू कैसा आएगा, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को एक मन में ये बात मार्केट में रहेगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 87 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,39,200 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज है, ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा, यानी कि लगभग 11-12 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 118 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे कोई ग्रोथ नहीं है तो डेफिनेटली अगर ग्रोथ नहीं है तो पी एक्सपेंशन का स्कोप हमें यहाँ पे कम नजर आता है। तो पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से अगर हम देखेंगे ये मुझे लगता है कि आईपीओ करंटली वेल मैनेज रहेगा। लिस्टिंग गेन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 25-30% के यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पॉइंट से अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ को अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 100% ये आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर आपको ये आईपीओ लग जाता है और मार्केट में अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है और बाई चांस ये कंपनी 5% डिस्काउंट पर भी खुल जाती है तो वहाँ पर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि वहाँ पर डेफिनेटली आपको लॉस बुक करके यहाँ पे निकलना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। मुझे लगता है कि लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ी डिमांड रहेगी, लगभग 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मैं लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करूंगा। हाँ, अगर बाई चांस अगर सीनरी और चेंज हो जाता है और ये कंपनी अगर डिस्काउंट में खुल जाएगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे लॉस में भी एक को बुक करके मैं इस कंपनी से निकलने की ट्राई करूंगा। मैं 100% मतलब मेरा चांस वही रहेगा कि मैं ये कंपनी से एग्जिट करूंगा, भले ही लिस्टिंग पे ये भले ही डिस्काउंट पे खुलती है या प्रॉफिट में, मेरा व्यू सेम रहेगा कि लिस्टिंग में मुझे एग्जिट करना है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि यूनिलेक कलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।